लो गर्मा गर्म आलू पराठा। तो आज डे टू में आलू पराठा। आज डे टू है ना? आज डे टू है। हम प्योर वेज हो गए हैं। अच्छी बात है ना? So, आलू पराठा दही एंड अचार। सो हे गाइस वेलकम बैक। आज है हम लोग का डे टू ऑफ मनाली स्टे। अभी बढ़िया ब्रेकफास्ट खाया, आलू पराठा आपने देखा होगा, गरम गरम आलू पराठा खाया और पिक्सी को अभी सुसु पॉटी करा दिया, नहा धो लिए और अभी थोड़ा सा घूमने जाएंगे। 10 बज रहा है और थोड़ा सा देखते हैं पास में कहाँ पे थोड़ा ड्राइव में निकलते हैं और फिर आ जाएंगे 2 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे से ऑफिस है। तो चलिए चलते हैं आपको भी लेके। अभी पता नहीं मनीष कहाँ लेके जाएंगे, क्या प्लान है तुम्हारा? देखो एक हमटा पास भी पास में है और सिसु और जो कोक्सर है जो है ना, जो अटल टनल के आगे, वो भी पास में है, जस्ट 1 आवर ड्राइव है। तो एक ड्राइव मार के आते हैं लंबी सी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कसोल या मणिकर्णिका भी जाएंगे, बट वो थोड़ा सा 2.5 घंटा लग जाएगा, तो विल डू इट आफ्टर स्पीति। तो स्पीति से हम लोग वापस आ जाएंगे, उसके बाद वो कवर करेंगे वो वाला वीकेंड्स में। अभी के लिए शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप करेंगे बिकॉज दिस इज आवर वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। सो मंडे टू फ्राइडे वी हैव टू बी विद द ऑफिस फ्रॉम 2 to 11। सो बिफोर दैट जो मॉर्निंग का टाइम है 8 बजे उठ जाते हैं हम लोग, अभी 9 बजे निकल लेते हैं, जैसे कल 9 बजे निकल लिए, आज 10 बजे निकल रहे हैं, तो विल गो दैट लॉन्ग ड्राइव। है जो ले लद्दाख जाती है अटल टनल होते हुए, पहले रोहतांग पास से होते हुए जाते थे लेकिन अभी तो रोहतांग पास बंद है और अटल टनल से इजीली दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में जो 20 नदी बोला था, लेकिन वो 20 नदी नहीं है, वो ब्यास नदी है। तो सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। ये मनाली के पूरे बीचों बीच ब्यास नदी बहती है, ये आगे जाके सतलुज में कनेक्ट करती है मंडी साइड में। कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लग रही है मुझे। विंड नहीं है ना, थोड़ा हवा थोड़ी कम है। यहाँ से हम लोग गए थे लेफ्ट अपने होमस्टे के लिए, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। तो आगे सोलांग वैली पड़ेगा मेरे हिसाब से। बर्फ तो नीचे गल चुकी है लेकिन गंडोला राइड लेके ऊपर जाता है केबल कार, तो वहाँ शायद बर्फ है ये लोग कहते हैं। सो इस पॉइंट से अगर हम यू टर्न मार ले, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को अगर जाएंगे तो रोहतांग वैली है, रोहतांग पास है। सो रोहतांगला तो अभी बंद है, मतलब रोहतांग पास तो अभी बंद है। May 15 अराउंड खुलने का है, तो लेट्स सी अगर हम लोग तब यहाँ पे रहेंगे तब तक तो हम लोग भी जाएंगे लेकिन पास। कोई हमारा होमस्टे वाला जो मैनेजर है वो बोल रहा था कि इस बार शायद दे आर ट्राइंग टू ओपन बाय 15th of April, तो पता चलेगा हम लोगों को, विल सी। क्या सही लग रहा है, कौन से पेड़ है। सो ये पहुंच गए हम लोग सोलांग वैली। ये देखिए ऊपर गंडोला राइड्स है, गंडोला ऊपर लेके जाता है। बहुत सारे ढाबे वगैरह यहाँ पे साइड में मिलेंगे आपको और जैकेट्स वगैरह देखिए बर्फ में, स्नो जैकेट्स, एटीवी बाइक्स। हाँ एटीवी बहुत है लेकिन जब स्नो नहीं है तो क्या मजा है इसकी एटीवी चलाने का। ये आ गए हम लोग सोलांग वैली। वो देखिए गंडोला, वो चलने का लो। ऊपर बर्फ नहीं है, वही तो नोला सब बंद हुआ है, देखो सब
खड़े हैं एक ही पोजीशन में। पिक्सी क्या चाहिए, पानी चाहिए क्या? रुको रुको पानी देता, पानी देता, रुको रुको पानी देता। मांगती है साइड में बर्फ, स्नो थोड़ी बहुत है अभी रास्ते के साइड में, ऊपर शायद और भी मिलेगी। पहाड़ों में वीडियो का मजा ही अलग है, आप देखिए ना गाल वाल लाल हो जाते हैं मस्त। ये देखिए क्या मस्त नजारा आया है। और पिक्सी अंदर है, उस साइड का शीशा बंद कर दिया था, किधर दिखाते हैं पिक्सी। अरे लड़की इधर 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 इधर, पिक्सी हियर कम हियर, पिक्सी कम हियर हियर। अरे लड़की इधर देखो, पल्लवी के पीछे जा रही, ये गुड गर्ल। सबको भौंकना है, सबको भौंकना है। साहब ये नजारा देख सकते हो क्या मस्त है। ये अटल टनल के पहले है और यहाँ पर फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती है। सो ये हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल। ये रोहतांग पास के नीचे बनाया गया है ये टनल। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अबव 10,000 फीट, और ये 9 किलोमीटर का लंबा टनल है। तो चलिए अटल टनल का मजा लेते हैं। सो ये हम लोग एंटर हो चुके हैं अटल टनल में। ये साउथ पोर्टल है और निकलेंगे हम लोग नॉर्थ पोर्टल में। 9.02 किलोमीटर का ये लंबा टनल है, टू वे है। सो यहाँ पे स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर। आप यही यहाँ पे कहीं रोक नहीं सकते हो बीच में, यू हैव टू कीप मूविंग। तो मैंने 60 का क्रूज कंट्रोल डाल दिया है, अब बढ़िया 60 की स्पीड पे चले जा रहे हैं। अच्छा पहले मेरे को याद है लास्ट ईयर जब आया था 40 था, पीछे 40 था एंट्री पे, बट अंदर यहाँ पर 60 है, फिर आगे जाके देखना शायद एग्जिट पे 40 फिर से हो जाएगा। पिक्सी मजा आ रहा है, हम लोग कहाँ चले आए भैया, कहाँ चले आए? ओहो मजा आ रहा है तुमको, हम लोग कहाँ आ गए, टनल है। अरे बात टनल, यहाँ तो तुम आई हो पहले 10 महीने पहले आई हो, याद आ रहा है? इसको बस ऐसे सहलाओ। नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नो नो नो। जाओ पीछे जाओ, जाओ खोल दो इसका, खोल दो इसका खिड़की, खोल दो। क्या ब्यूटी है, वाह। पहुंच गए हैं दूसरे साइड। ये देखिए अटल टनल का ये है नॉर्थ पोर्टल, और हम लोग अभी जा रहे हैं ले वाला हाईवे है। ले, कारगिल, श्रीनगर सब इसी रोड से है, मतलब जा सकते हो। सिसू करके एक जगह है, तो वहां तक जाएंगे और फिर वापस हो लेंगे। तो चलिए इस ड्राइव का मजा लीजिए। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब राइट हैंड साइड अगर आप जाते हो तो कोकसार और फिर रोहतांग पास उस तरफ जा सकते हो। हाँ, और स्ट्रीट चले गए तो आप काजा निकल सकते हो, लेकिन अभी वो रूट खुला नहीं है, फिर भी जाके पता करेंगे, देखते हैं वो रूट खुल गया है या कब खुलेगा। सो यहाँ पर जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो पुलिस वाले थे, उनसे पूछा कि भैया यहाँ पर ड्रोन उड़ा सकते हैं या रिस्ट्रिक्टेड एरिया है? तो बोले कि ये अटल टनल के आसपास मत उड़ाइए, 500 मीटर इधर 500 मीटर दूर उधर जाके, आप चाहे सिसु की साइड या कोकसर की साइड, अगर खुला स्थान है वहां पर उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कि बॉर्डर एरिया हो, ये
कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस इधर अटल टनल के पास मत उड़ाना। चलो सो यहाँ से ले का जो डिस्टेंस है वो 396 किलोमीटर। सो यहाँ पे 300 रुपए का डेवलपमेंट चार्ज है SUV MVV के लिए 300। सो सेडा का फुल फॉर्म क्या है? साडा का फुल फॉर्म स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये 300 रुपए का टिकट कट गया। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी साडा। सो ये लाहौल एट कीलोंग, तो यहाँ का डेवलपमेंट एरिया के लिए 300 रुपए चार्जेस है, जैसे ही आप अटल टनल से लेफ्ट लेते हो टूवर्ड सिसु। तो ये अगर जून टाइम में आओ ना तो ये पूरे पेड़ में आपको हरियाली दिखेगी, लेकिन अभी सब सूखे पड़े हैं। लेकिन ये व्यू कितना अलग लग रहा है ना, लास्ट टाइम आए थे तो पूरा ग्रीन था। पूरा ग्रीन था, ये अभी देखो पूरा सूखा हुआ है। अंदर पार्किंग है। वे टू लेक, कौन सी लेक है? बहुत खेल लिया स्नो से, फ्रेश स्नो से खेल लिया। फ्रेश स्नो से खेल लिया, अभी काली स्नो है। काली स्नो में कहाँ जाओगी? ड्राइव एंड डाइन। तो हम लोग गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा चल के देखने आए हैं कि क्या है। लोग तो पूरा स्नो बूट्स और जैकेट पहन के आ रहे हैं, लेकिन जरूरत तो है नहीं, ज्यादा बर्फ है नहीं। हाँ तो ये है, ये कौन सी रिवर है? सो वहाँ पे देखिए लोग चल के गए हैं, वहाँ पे बर्फ है थोड़ी बहुत वहाँ खेलने के लिए। ये देखिए बर्फ गल के पानी गिर रहा है। तो ये देखिए सब गुजरात से आए हैं, सो सब सीनियर सिटीजन्स है। हम लोग गुजरात अभी तक किए नहीं है ट्रिप, लेकिन करेंगे जल्दी। अच्छा है, कहाँ पर अच्छा है बताइए, कहाँ कहाँ जाने लायक है? सोमनाथ अच्छा है, द्वारका अच्छा है। सोमनाथ से आप कोस्टल हाईवे पे जाएंगे तो काफी बढ़िया मजा आएगा। कोस्टल हाईवे सोमनाथ, सोमनाथ से द्वारका तक जा सकते हैं। वो मुझे करना है, ड्रोन शॉट भी बढ़िया आएगा, वो भी बढ़िया। और दीव जाने का तो भी जा सकते हैं सोमनाथ से। सो हमारा ड्रोन उड़ चुका है। इधर देखो, तुमको ठंड नहीं लग रही है क्या? ठंड नहीं है, धूप देख रहे हो कितनी तगड़ी है। यहाँ पे देखो लोग स्नो ड्रेस, बूट्स, और हम लोग आए हैं टी शर्ट्स और स्लीपर्स में। ए तुम मेरे सीट पे क्यों बैठी? आजा आजा आजा, हाँ जल्दी आओ, कम कम कम। पिक्सी का सुसु टाइम। क्या सुंदर नजारा है ना, ये देखिए स्नो कैप माउंटेन्स। ठंड इतनी नहीं है, मजा आ रहा है। लेकिन
इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम लोग अभी, तो वापस अभी अटल टनल होते हुए बैक टू आवर होम स्टे। सो स्ट्रेट अगर जाएंगे तो वो रोहतांग पास और काजा वाला रोड है, अभी हम लोग यहाँ से राइट लेंगे टूवर्ड्स अटल टनल। आगे भी जा सकते हैं, एक अच्छी ड्राइव है कोकसा, लेकिन हम नेक्स्ट कभी जाएंगे, मतलब इसी एक दो दिन में ही। तो चलिए अभी वापस जाते हैं क्योंकि एक बज चुका है, हमको 2 बजे पहुंचना है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोकसा लेके चलते हैं। हाँ, इधर का व्यू अच्छा है, लेकिन आज बहुत टाइम लग गया हमको सिसु साइड में ही, सो वील गो टूवर्ड्स कोकसर और वहां पर देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि अभी रास्ता खुला है कि काजा जाने का नहीं। अगर खुल गया होगा तो हम काजा से आएंगे इधर मनाली, नहीं खुला होगा वापस चले जाएंगे। तो यहाँ से मनाली 33 किलोमीटर। सो निकल गए हम लोग साउथ पोर्टल में। थैंक्स विजिट अगेन। ओवरऑल जो अब सीजन तो चला गया है मनाली का, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि बर्फ बर्फ जो है वो केवल वही हाइट्स पे है जो अटल टनल के आसपास है। तो अगर कोई आने की सोच रहा है तो गर्मी है, दोपहर पहर में बाहर निकलेंगे तो आपको तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। तो कहीं भी जैसे सोलांग वैली है या कहीं हॉर्स राइड है या ATV राइड है, ये सब करने का कुछ भी मन नहीं करेगा। हाँ, बस अगर आपके पास गाड़ी है और आप कहीं रुके हो तो एक ठंड का एंजॉय कर सकते हो, और गाड़ी में बैठे बैठे जैसी धूप लगी तो अपना थोड़ा सा ACC ऑन कर सकते हो, और उसके अलावा सिसु में साइड में जा सकते हो, कोकसर जा सकते हो, उधर आपको ब्यूटी मिलेगी क्योंकि स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं बहुत सारे। लेकिन हाँ, ये है कि आपको जो ये जूते और ये सारा जैकेट वैकेट मिलेगा तो उसको एक छोटे कोई एक लोकेशन पर ले जाते हैं सिसु साइड में, जहाँ एक थोड़ा सा पैच है अच्छा बर्फ का, तो वहाँ जाके लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप लोग स्नो एंजॉय करना चाहते हो तो आपको सिसु साइड में जाना पड़ेगा अटल टनल के दूसरे साइड। इस साइड में बर्फ बहुत कम है, अगर है भी तो बिल्कुल अटल टनल के पास है। तो अकॉर्डिंगली यू गाइस कैन प्लान इट, अगर आप लोग यहाँ मनाली आ रहे हो तो बढ़िया घूमो गाड़ी में बैठ के, वो सबसे बढ़िया है। इन शॉर्ट, स्नो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, हल्की फुल्की स्नो मिलेगी। अगर आप कभी स्नो नहीं देखे हैं, थोड़ा बहुत आपको स्नो का एक्सपीरियंस करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन इतना मजा नहीं आएगा जो बहुत, मतलब अगर आप फेब में आते तो मिलती। एनीवेज, लेकिन समर वेकेशन आप यहाँ पे बिता सकते हो, अभी बच्चों की सब बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी मई जून में, तब आप यहाँ पे आके आराम से कुछ दिन रह के एंजॉय कर सकते हो। चाय और पकौड़ा, वाह। तो इवनिंग स्नैक्स काम चल रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अभी 10 मिनट का। अब मैडम कुछ खाइयो कि ना खाइयो, आए ऐसे टुकु टुकु टाकोगे, अब चिकन नहीं मिलेगा बेटा, ये एक दिन खिला दिया बस बहुत है, नवरात्रि चल रही है, हम नहीं खा सकते तो कहाँ से तुम्हारे ले लाए। चलो कल, कोई बात नहीं, कल खिलाएंगे तुमको, अभी 2 दिन जरा वेज खाओ हैं। ठंड है तो वो भी अपना घुसी हुई है। चलो खाओ, देखो कैसा है, खा के देखो। आलू अमिक्स है, आलू प्याज गोभी, खाना बहुत अच्छा है इसका यहाँ का। मेरे को बाहर तक खुशबू आई तो इसलिए मैंने बोला क्या बना रहे थे, कहता पकौड़े सर, सामने भाई हमें भी दे दो। स्टे हियर, वी आर गोइंग फॉर डिनर, विल कम बैक, अभी तुमको खिलाते हैं। ओहो हो, वाह, मटर पनीर, दाल, फुलका और चावल, पली तुम्हें तो ऐश है, डेली मस्त खाना मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया वेजिट आइटम। हम लोग का तो खाना हो गया, अब मैडम का खाना, और मैडम लाट साहिबिन है, हाथ से खाती हैं, जब तक हाथ से ना खिला तब तक तो खाए ना कहो। और पिक्सी का स्पेशल है,
कि जब उसको कुछ भी मन नहीं करता, चिकन के नहीं होता, तो रोटी के साथ देसी घी लगा के खाएगी, या मक्खन और या फिर दही मलाई भी खा दे। सो मैडम पिक्सी जो है सूखी रोटी नहीं खा सकती, अगर आपने सूखी रोटी दे दी तो कुछ भी हो जाए नहीं खा सकती, इनको चाहिए मक्खन के साथ या फिर मलाई होनी चाहिए या फिर देसी घी होना चाहिए और या फिर दही, कुछ तो चाहिए। और देखिए क्या गपर गपर खा रही है ए लड़की पिक्सी, आए क्या है, बहुत लाड साहिबन हो आए। किसी ने सही कहा था, योनी कोई भी हो भाग्य प्रबल होना चाहिए, और पिक्सी बहुत प्रबल भाग्य लेके आई है, क्यों पिक्सी भाग्यशाली हो आए, पूछ पूछ तुरंत हिलती है ये। जो दाना खा लो, तुम्हारा फेवरेट रॉयल कैनन, और भी बच्ची है इसको देखिए बेबी फूड पसंद आता है, ये रॉयल कैनन का स्टार्टर है बेबी फूड, वो अभी भी खाती है ये, और कोई रॉयल कैनन नहीं पसंद आता। पिक्सी हमको दे दो, गिव इट टू मी पिक्सी, गिव इट टू मी, गुड गर्ल, शेयर इट विद मी, आई वांट लिटल, गिव इट टू मी प्लीज, ला दे दो, नहीं देना, क्यों क्यों गुस्सा नहीं, लाओ अरे हम थोड़ा सा लेंगे, हम ही तो देते हैं तुमको, थोड़ा सा नहीं दे सकती हो, दे दो प्लीज, दे दो, लाओ लाओ पल्ली देख लो कितनी शैतान खा रही है, लेकिन शेयर नहीं कर सकती, कोई इनसे ले ले इनका खाना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना पिक्सी, ए लड़की ए लड़की आई लड़की, लो कैन आई टेक इट, गिव इट टू मी, ये देखो मुंह देखो, खा लो। पिक्सी को पहले फूड अग्रेशन था बचपन में, आप लोगों ने एक पुराना बहुत वीडियो देखा होगा, मैंने इसके साथ थोड़ा सा ऐसी खेल रहा था, तो इसको फूड अग्रेशन इसका ख़त्म कर रहा था, और आज ऐसा हो गया कि वो फूड अग्रेशन है अभी भी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि वो काटेगी मुझे, गुस्सा करेगी, उसके लिए खेल हो गया है ये, मैं उसको ऐसे बोलूँगा तो गुर्राएगी, अगर जैसे अगर खाना कुछ नहीं खाना है, जैसे उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उसके सामने रख देंगे और कहेंगे गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, सो व्हाट विल हैपन, उसके बाद वो खाने के को लेके गुस्सा आएगी, और जब गुस्सा आएगी तब उसके जब हम लेने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से खा लेगी। इस तरह से हम लोग को गेम खिला के खिलाते हैं पिक्सी, क्या चाहिए अभी ये देखिए, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, अब ये देखिए पिक्सी, व्हाट डू यू वांट, क्या बताओ ये क्या है उसमें? उसके अंदर क्या है पिक्सी, What पिक्सी? पिक्सी को हर खाने के बाद अपना एक चॉकलेट चाहिए, और वो अपना जाके बताती है कहाँ रखा क्या? है, हम लोग पूछेंगे व्हाट यू वांट, और देखिए बता रही है कि भानुमती के पिटारे में रखा हुआ है, व्हाट क्या है वहाँ पे, ये 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 हाँ ये पिक्सी का फेवरेट चॉकलेट डेंटास्टिक, तो ये डेली उसको एक मिलता है, एंड शी इज ऑब्सेस्ड विद दिस, और इसको दिखा के आप कुछ भी काम करा सकते हो। पिक्सी सिट डाउन, पिक्सी डाउन, इधर इधर सिट डाउन, स्टे स्टे पिक्सी, स्टे स्टे स्टे, देखिए अब मैंने स्टे बोल दिया तो ये हिलेगी नहीं ना ही छुएगी, भले मैं रूम से बाहर चली जाऊं लेकिन ये कमांड मानेगी कि जब तक मैं उसको बोलूंगी नहीं कि खाओ तब तक नहीं खाएगी, स्टे कमांड वो समझती है, अभी देख रही है कि जल्दी बोलो मेरी लार टपक रही है। चलो ईट गो ईट, इतने चाव से अब उससे वापस लेके दिखाओ, पहले पिक्सी दे दो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, अब उसका हो चुका है, तुम नहीं ले सकती हर प्रॉपर्टी।
तो आज का दिन भी अच्छा गया, हम लोग घूमने गए, फिर आज बिजी डे था वर्क वाइज, लेकिन बहुत अच्छा खाना भी मिला एंड में, तो बढ़िया लगा। तो पिक्सी भी एंजॉय की, पिक्सी ने खाना खा लिया आज, कल नहीं खाई थी, कल उसका पेट थोड़ा सा गड़बड़ था, आज खा लिया तो अच्छा लग रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।